दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको टोटल तीन प्रकार की आदतें बताने वाला हूँ जो अगर किसी भी पुरुष के अंदर होती है तो उस पुरुष के ऊपर कोई भी औरत या फिर कोई भी लड़की जल्दी से जल्दी उसके ऊपर इम्प्रेस हो जाती है। और दोस्तों मेरे बताने का मतलब क्या है कि आज मैं आपको टोटल तीन प्रकार की आदतें के बारे में बताने वाला हूँ जो मर्दों के अंदर औरतों को और लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों अगर आपके भी अंदर इनमें से एक या दो आदतें या फिर तीनों भी आदतें अगर आपके अंदर होगी तो आपके ऊपर दुनिया की कोई भी लड़की या फिर कोई भी औरत जल्दी से जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी। तो अगर आपको जानना है कि मर्दों की कौन सी आदतें औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो आज का वीडियो आप दोस्तों पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले प्रकार की जो आदत है जो औरतों को मर्दों के अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है वो दोस्तों कौन सी है कि हमेशा खुश रहना। हाँ दोस्तों जो पुरुष या फिर जो लड़का हमेशा अपने ज़िंदगी में खुश रहता है और दूसरों को भी हंसाता है यानी कि उसके ज़िंदगी में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ गई उसके ऊपर कोई भी समस्या आ गई तो वह रोते नहीं बैठता, वह उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसका समाधान जल्दी से जल्दी निकालता है पर उस प्रॉब्लम में वह हमेशा सैड नहीं होता यानी कि वह रोते नहीं बैठता, वह हमेशा हंसते खेलते रहता है और दूसरों को भी हंसाता है। तो दोस्तों ऐसे जो पुरुष होते हैं ना वो सभी औरतों को और सभी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और दोस्तों दूसरे प्रकार की जो आदत है वो दोस्तों कौन सी है कि औरतों को इज्जत देना। हाँ दोस्तों जो पुरुष औरतों को यानी कि किसी भी औरत को वह चाहे उसकी बहन हो उसकी माँ हो या फिर कोई भी पराई औरत हो या फिर कोई भी पराई लड़की हो वह हर एक औरत को इज्जत देता है, उसके बारे में भला बुरा बिल्कुल भी नहीं कहता है, औरतों को वह हमेशा रिस्पेक्ट यानी कि उनका आदर करता है। तो ऐसे भी पुरुष औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि हर औरत को ऐसा लगता है कि यह पुरुष अगर किसी भी पराई औरत को इज्जत देता है तो अगर मैं इसकी ज़िंदगी में चली गई और मैं इसकी लाइफ पार्टनर बन गई तो यह पुरुष मुझे कितनी इज्जत देगा। और हर औरत को अपने लाइफ पार्टनर से यानी कि उसके प्रेमी से इज्जत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और दोस्तों तीसरे प्रकार की जो आदत है वो दोस्तों कौन सी है कि हमेशा यानी कि कभी ना कभी फ्यूचर के बारे में सोचना, यानी कि जो पुरुष हमेशा कभी ना कभी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, उसको हमेशा चिंता रहती है कि आगे चलकर मैं क्या करूंगा, आगे चलकर मैं सेटल कैसे बनूंगा यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी को कैसी अच्छी बनाऊंगा और मैं अपनी फैमिली को सभी प्रकार की खुशियां कैसे दूंगा, यानी कि जो पुरुष घुमा फिरा के फ्यूचर के बारे में सोचता है तो ऐसे भी पुरुष औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि हर औरत को ऐसा लगता है कि अगर वह किसी भी पुरुष की ज़िंदगी में गई तो वह पुरुष उसको ज़िंदगी भर हमेशा खुश रख सके। तो जो पुरुष हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो ऐसे भी पुरुष औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।